नमस्कार, खबर समय स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल आरटीआई गोविंदपुरा में मेगा जॉब फेयर एवं श्रमिक चौपाल आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में पीएम मित्र पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क के साथ ही ग्लोबल स्किल पार्क प्रारंभ करने की पहल युवाओं को रोजगार प्राप्ति में सहायक है। प्रदेश में हुनरमंद युवा तैयार कर उन्हें रोजगार से जोड़ने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। समाज की ताकत बनाने के लिए सबसे पहले युवाओं को हुनर देना आवश्यक है। मध्य प्रदेश में लगातार निवेश आ रहा है और निवेश से युवाओं को रोजगार मिल रहा है। युवाओं की कौशल उन्नयन पर सर्वाधिक ध्यान दिया जा रहा है। जॉब फेयर में विभिन्न संस्थान द्वारा 640 नियुक्तियां दी गई। मुख्यमंत्री ने मेगा जॉब फेयर और श्रमिक चौपाल को उपयोगी बताते हुए चयनित आवेदकों को बधाई दी। चयनित आवेदकों को ऑफर लेटर एवं योजनाओं की स्वीकृति पत्र का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में श्रमिकों और निर्धनों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य हो रहा है। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल में 3.25 करोड़ पंजीयन हुए हैं। इसमें आवेदक अलग अलग बार भी पंजीयन करवाने के लिए पात्र होते हैं। इन पंजीयन में से 1.30 करोड़ का मोबिलाइजेशन किया गया है। मध्य प्रदेश में भी आप जानते हैं, एक तरफ अलग अलग कंपनियों में रोजगार इन्वेस्टमेंट लगातार आ रहा है। मुझे कहती हुई खुशी है, मध्य प्रदेश का टेक्सटाइल हब बन रहा है, ऑटोमोबाइल हब बन रहा है, फार्मा हब बन रहा है, फूड प्रोसेसिंग का हब भी बनेगा और लगातार नया निवेश मध्य प्रदेश में लगातार आ रहा है। अभी पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क हमको मिल गया, प्रधानमंत्री जी का आभार। मेडिकल डिवाइस पार्क हमको मिल गया। आईटी सेक्टर में हम तेजी से काम कर रहे हैं। तो एक तो हम जो निवेश आ रहा उसके माध्यम से रोजगार, जैसे आज कुछ मित्रों को मिला और आज जिनको जॉब मिले उनको बधाई, जो नहीं मिले वो निराश ना हो, आगे खूब अवसर है। उन अफसरों का बंदोबस्त करेंगे, मिलकर साथ चलेंगे, इन योजनाओं का लाभ उठाएंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। होने के बाद पहले 4,000 रुपया और जन्म लेने के बाद 12,000 रुपया, कुल 16,000 रुपया देते हैं, ताकि बहन घर पर रहकर आराम भी कर सके महीना भर और बेटा बेटी का पालन पालन भी कर सके, पोषण आहार भी मिल सके, बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था, बिटिया की शादी की व्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, और भगवान ना करे एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए तो सीधे 4,00,000 रुपया, कभी ना हो ऐसा, लेकिन होता है कहीं सामान्य मृत्यु को 2,00,000 रुपया और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया देने की व्यवस्था संबल योजना के अंतर्गत की है। जिंदगी में कहीं कठिनाई का अनुभव ना हो, हमारी जिंदगी कैसे सरल बने, आसान बने, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री है जिनकी कोशिश है कि शहरों में भी मजदूरों को रहने के लिए पर्याप्त घरों का की उपलब्धता हो जाए, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई का इंतजाम, ये बहुत अहम है। और ये गरीब कल्याण हमारा संकल्प, गरीब को राशन, रहने को मकान, बीमार हो जाए तो इलाज, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, एक नहीं अनेकों चीजें, ताकि गरीब की जिंदगी भी आसान बने। आज मैं मेगा जॉब फेयर के लिए और श्रमिक चौपाल के लिए भूपेंद्र जी पधारे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वो बहुत कल्पना सिंह मस्जिद के धनी है, लगातार नया सोचते नया करते, और इसलिए हमारी मांगने की इतनी तैयारी नहीं थी जितनी उनकी देने की तैयारी, यह भी कमी हो। करना चाहूंगा कि आज सुबह हमारे श्रम विभाग के ईएसआईसी की एक कार्यकारी बैठक थी, हमने उनसे आग्रह किया था कि ईएसआईसी के पीतमपुरा में, जबलपुर में नए हम 100 बेड के अस्पताल खोलना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में और नई 12 डिस्पेंसरी खोलना चाहते हैं,
और उन्होंने बड़े सहजता से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उसके भूमि आवंटन से लेकर सभी प्रक्रियाओं को बहुत तेजी से करने का जो आज निर्देश दिया, हम ये विश्वास व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि भारत सरकार की जो गरीब कल्याण के लिए ईएसआईसी की एक बड़ी मेडिकल स्कीम जाती है, दुनिया भर की जो सबसे बड़ी मेडिकल स्कीम इस मायने में मानी जाती है कि मजदूरों का इलाज में कितना ही खर्चा हो इस स्कीम के द्वारा वहन किया जाता है, और आपने उस स्कीम को और सुदृढ़ बनाने के लिए आज एक बहुत अच्छे निर्देश दिए, और उसके साथ ही साथ ईएसआईएसएच के जो दो अस्पताल भोपाल में और नागदा में जो चल रहे हैं उसको भी आपने ईएसआईसी के द्वारा अच्छी तरह से उसको प्रमोन्नत करने का भी आपने आदेश जारी किया। मैं विभाग की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। सहयोग से ही हार्मनी का जो उद्घाटन स्थापित किया है उस जिससे मध्य प्रदेश को भी गर्व है प्रोजेक्ट पे, उससे भी आज आपने आवश्यक दिशा निर्देश देकर इस परियोजना को मजबूत बनाने का जो आज आश्वासन दिया है उसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। आज पूरे देश में श्रम विभाग के द्वारा मैचअप कैरियर सर्विस पोर्टल चलाया जाता है। ये पहले मॉडल कैरियर में रोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराना, देश में कैरियर डेवलपमेंट के लिए नौजवानों को प्रोत्साहित करना, हमारे देश में क्वालिटी वर्कफोर्स को बढ़ाना और उसके साथ इंक्लूसिव ग्रोथ इनिशिएटिव्स के माध्यम से सबको जोड़ने का काम करता है। मैं कहना चाहूंगा कि आज भोपाल में ये जो जॉब फेयर लगा है इसमें जिन नौजवानों को अवसर प्राप्त हुआ है उनको बधाई, लेकिन उनकी बधाई के साथ साथ बाकी भी नौजवान इस एनसीएस पोर्टल नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के साथ जुड़े और हम सब मिलकर अमृतकाल के भारत को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सशक्त करने का काम करें। जय हिंद जय भारत। करीब 5 लाख एक्टिव वैकेंसीज की जानकारी सामने आई, यह पोर्टल लोकप्रिय हो रहा है। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।